मैं हूँ कादरी सुन्नी तकलीफ होती है तुझे मिर्चे भी लगती है। तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है। की कहानी एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान भर में एक वीडियो काफी वायरल हुई जिसका टाइटल ये था, मैं हूं कादरी सुन्नी टन टनाटन। इसे सुनने के बाद हर आशिक रसूल जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, इसके जज्बात इंतहाई मजरूह हुए, लिहाजा इस पर अच्छी खासी तनकीद की गई, जिस पर इसे पढ़ने वाले शख्स को आखिरकार माफ़ी मांगना पड़ी। ये कोई अपनी तर्ज के पहले वाकयात नहीं हैं, बल्कि इस तरह की बेतहाशा बेमकसद और गानों की धुनों पर बनाई जाने वाली नातें इंडिया और पाकिस्तान में बाकायदा एक ट्रेंड बन चुका है। दोस्तों, एक वक्त था कि नाज शरीफ पढ़ते हुए और सुनते हुए दिल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार हो जाया करते थे। इन अल्फाज में इतनी तासीर और बरकत हुआ करती थी कि इंसान खुद को इस सब्ज गुम्बद के सामने महसूस करता था। मगर नाम नेहाद जिद्दत और पैसा कमाने की दौड़ में इंसान ने सना खानी को भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना डाला है। हम बचपन में जो नाते सुना करते थे वो एक बाअदब तरीके से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पढ़ा करते थे, और इसके बाद है आज का दौर जब सना खानी को बकायदा एक कारोबार बनाकर इसका मजाक बनाया जा रहा है। आजकल नातों को बकायदा गानों की तर्ज पर पढ़ा जा रहा है और इनका मकसद ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जो दिल नात सुनकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाया करते थे वो अब इन गानों की तर्ज पर बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनकर गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं। इन्हें पढ़ने वाले लोग सवाब कमाने की बजाय ना सिर्फ गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं बल्कि बेअदबी करके अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। ये लोग अपनी आखिरत को भी भूल चुके हैं। हालिया दिनों में भी एक नातिया कलाम कहलाए जाने वाली नात इंटरनेट पर मशहूर होने वाले एक गाने लौंग लाची की धुन पर बनाया गया। क्या इस तरह की धुनों से इंसान का दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होगा या गुमराह होगा? ये अपनी तर्ज की कोई एक नात नहीं है बल्कि इस तरह की बेताशा नातें आजकल इंटरनेट पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, क्योंकि गुनाहगार शख्स की तो माफ़ी है लेकिन बेअदब शख्स की नहीं। इंडिया और पाकिस्तान में अब तक ऐसी बेताशा नाते मौजूद हैं जो इंतहाई गुमराह कुन हैं और इनमें म्यूजिक की धुन को इस्तेमाल किया गया है। बदकिस्मती से हमारे कुछ उलमा कराम भी ये ख्याल करते हैं कि इस तरह गाने की धुन पर नाते पढ़ना जायज़ है। मगर मेरा एक सवाल है कि क्या अगर एक शख्स को पानी साफ गिलास की बजाय एक साफ सुथरे लोटे में दिया जाए, चाहे वो लोटा कितना ही साफ क्यों ना हो, तो क्या कोई शख्स इस पानी को पिएगा? यकीनन नहीं पिएगा, क्योंकि चाहे लोटा कितना ही साफ क्यों ना हो इसकी निस्बत गलाजत और गंदगी वाली जगह से है। बिल्कुल इसी तरह से नातिया कलामों में इस्तेमाल होने वाले म्यूजिक धुनों की निस्बत गानों से है, जिसका इस्तेमाल किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। क्या इन नातों को पढ़ने वाले या इनको बनाने वाले इस हकीकत से वाकिफ नहीं होंगे? यकीनन वाकिफ होंगे, मगर पैसे और शोहरत की हवस में ये लोग गुमराह हो चुके हैं। यही वजह है कि माल को फितना कहा गया है। पहले की कौमों पर जो अजाब आया वो इसलिए नहीं आया कि वो कुफर किया करती थी, बल्कि इसलिए आया कि वो नबियों और इनकी तालीमात का मजाक उड़ाया करती थी। आज इन नातिया कलामों की आड़ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका जो अल्लाह ताला के बाद दुनिया और कायनात की मोतबर हस्ती हैं और हमारा सब कुछ इनकी हुरमत पर कुर्बान है, इनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। क्या हम अल्लाह के गज़ब व गज़ब को आवाज़ नहीं दे रहे? अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। आप जब भी कोई ऐसी गुस्ताखी कहीं भी होते देखें तो खामोश मत रहें बल्कि इस पर बकायदा एक्शन लें। मसलन अगर कोई ऐसी वीडियो आपको YouTube पर देखने को मिले तो इसे फ़ौरन रिपोर्ट करें, ताकि YouTube इस पर एक्शन लेकर फ़ौरन इसे डिलीट करवा दे, यूं इन्हें बनाने वालों की हौसला शिकनी हो सकेगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।